हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। मैं कहूँ अगर आप देख रहे हैं जीडीएस पोस्ट, तो जीडीएस पे कमेटी का जो रिपोर्ट है वो इंप्लीमेंट हो गया है। जुलाई महीने का पे भी आपको मिल गया है और जो है एरियर बहुत सारे सर्किल में क्लियर कर दिया है। तो ऐसे कुछ सर्किल है, कुछ डिवीजन है जो अभी तक क्लियर नहीं कर पाया है कुछ टेक्निकल इश्यू के लिए, जो कि अगर अभी भी आपका एरियर नहीं मिला तो कुछ दिन के अंदर ही जो है आपको अपना एरियर मिल जाएगा। जिसका एरियर जैसे मिल गए है तो उनको बहुत सारे जीडीएस ऐसे होंगे जिनका फुल एरियर उनको नहीं मिला, क्योंकि वो एडहॉक में शायद काम किए थे और लीव विदाउट अलाउंस में थे, इसलिए उनको फुल एरियर नहीं मिला। तो आपके बदले में जो आपका सब्स्टिट्यूट था उनको ये एरियर मिल जाएगा जल्दी, जब डिपार्टमेंट की तरफ से इसका ऑर्डर भी निकल जाएगा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो इम्प्लीमेंट होना था वो तो हो गया, अब जो है बाकी है वो अब क्या क्या इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो आपको शायद पता होगा कि 31 जुलाई को डिपार्टमेंट के साथ जो है जीडीएस यूनियन का एक मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियर कर दिया है कि डेट ऑफ इफेक्ट जो है एरियर और जो नया जो रिवाइज पे है, पे स्केल है, वो क्लियर हो गया है कैबिनेट से। तो वो जो इशू है वो दूसरे बार रिओपन नहीं होगा, मतलब रिकॉन्सिडर नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा गलत बात है, यूनियन वाले क्या एक्शन लेते हैं वो हम देखेंगे। तो अभी तक जो ऑर्डर निकला गया है, इस ऑर्डर के अलावा और भी कुछ है जो कि इम्प्लीमेंट होगा, चलिए देखते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको पहले वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा नहीं लगता तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, आप तो वीडियो देख जाते हो और बाद में आप जो है लाइक करना भूल जाते हो, क्योंकि दोस्तों एक लाइक जो है बहुत बड़ा मायने रखते हैं हमारे लिए, क्योंकि आपका एक लाइक से ही जो है यूट्यूब हमारा वीडियो को प्रमोट करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। यहाँ पे दोस्तों आप अपना मोबाइल स्क्रीन में यहाँ पे देख सकते हो, तो जो मीटिंग 31 जुलाई को हुआ है उस मीटिंग में जो डिसीजन हुआ है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है कि जो एरिया है न्यू वाजेस स्केल तो नहीं है दोस्तों, न्यू टीआरसीए स्लैब ये, और जो है एरिया का जो फॉर्मूला है वो, और बाद में मतलब कि 25 जुलाई के बाद में जो ऑर्डर आया है 27 जुलाई को, उसमें जो है एसडीबीएस और जो है मेटर्निटी लीव को लेकर दो ऑर्डर और जो है एडिशनल ऑर्डर निकाला गया है। दोस्तों ये अभी तक कम्प्लीट हुआ है कि क्या मतलब डिपन की तरफ से आपको दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे रिकमेंडेशन है टी कमेटी का जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी क्लियर कर दिया है क्या क्या जो रिकमेंडेशन है जीडीएस कमेटी का वो कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल का स्क्रीन में, डिपार्टमेंट कैटेगोरिकली रिप्लाइड दैट इन केस ऑफ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इश्यूज लाइक डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड न्यू वाज स्केल एरियर फार्मूला एज ऑलरेडी क्लियर, जो कि उन्होंने बताया ये क्लियर कर दिया है कैबिनेट के थ्रू, मतलब कि कैबिनेट के द्वारा। इट कैन नॉट बी रीओपन, मतलब ये रीओपन नहीं किया जाएगा और रिकॉन्सिडर नहीं किया जाएगा। तो अब क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी कि इस रिगार्डिंग जीडीएस यूनियन क्या एक्शन लेते हैं। तो जो रिकमेंडेशन है कमेटी का वो जो रिकमेंडेशन अभी रिकॉन्सिडर मतलब कॉन्सिडर होने वाला, तो आपको शायद पता होगा कि कमिटी जो रिकमेंड की है जीडीएस के लिए वो पेड लीव के मतलब कन्वर्ट किया है ऑर्डिनरी लीव में, जो कि पहले 20 डेज था हर साल, 6 महीने 10 दिन को लेकर करके वो ऑर्डिनरी लीव के तौर पे उन्होंने दिखाया है, जो कि होगा 6 महीने 15 दिन करके मतलब साल भर में 30 दिन, और ये जो लीव है ये एनकैशमेंट होगा। लेकिन दोस्तों अभी डिपार्टमेंट की तरफ से क्या डिसीजन ले जाता है वो तो देखने वाली बात होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ये तो क्लियर कर दिया है कि ये कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, आपको शायद पता होगा कि चिल्ड्रन एजुकेशन का अलाउंस का रिकमेंड किए थे, जो कि 6,000 हर साल होता था और जो कि मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए उन्होंने रिकमेंड किए है। तो उसके बाद GIS जो कि ग्रुप इंश्योरेंस है जीडीएस का, ये भी अभी तक मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ये ऑर्डर, इस रिगार्डिंग डिपार्टमेंट क्या एक्शन मतलब ऑर्डर देते हैं ये भी देखने वाली बात होगा। और दोस्तों ट्रांसफर ये एक बड़ा इशू है, क्योंकि नया जो जीडीएस है वो जीडीएस बहुत सारे डिस्टेंस में जो कि उनका पोस्टिंग हो जाते हैं, तो उसका जो है ट्रांसफर का कोई ना कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए। तो आप देखने वाली बात होगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से इन जीडीएस के लिए क्या ट्रांसफर फैसिलिटी इन्होंने लेकर आ रहे हैं।
ESI ये नया है दोस्तों। ESI मतलब कि एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस फैसिलिटी, ये एक नया स्कीम है जिसके अंदर जो है जीडीएस का कुछ थोड़ा मतलब कि पेंशन के तौर पे कुछ अमाउंट मिल सकते हैं दोस्तों। इस रिगार्डिंग डिसीजन लेगा, क्या लेगा वो बाद में देखा जाएगा। और यहाँ पे SDBS जो है अभी क्लियर कर दिया गया, जो कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम के द्वारा पहले 200 रुपये था, अभी 300 रुपये का कंट्रीब्यूशन ले रहा है। तो फिनेंशियल अपग्रेडेशन ये एक बड़ा इश्यू है, क्योंकि जो सीनियर GDS है वो अभी तक मतलब कि जूनियर GDS की तरह जो है उनको नया पे मिला है, जो कि ऐसा ये ठीक नहीं है। तो सीनियर GDS के लिए शायद ये बहुत ही खुशखबरी हो सकती है, तो देखते हैं क्या ऑर्डर जो है निकलते हैं। और दोस्तों लास्टली जो है यहाँ पे मतलब कि यही ETC उन्होंने बताया है कि ये सब जो है वो मतलब कंसीडर किया जाएगा डिपार्टमेंट की द्वारा। तो आप देखने वाली बात होगा क्या होते हैं, तो हम देखते रहेंगे, और जब जब भी ऑर्डर आ जाएंगे वो तो इसका नोटिफिकेशन आपको जो है GDS ई पोस्ट में तो मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो रिकमेंडेशन है कमेटी का वो भी इम्प्लीमेंट होने वाला है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनको पता चले। और अगर अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि GDS रिलेटेड ऐसे ही आर्टिकल्स और ऐसे वीडियो साथ आप जो है अपडेट रह सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।